भाइयों नमस्कार, आपका हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा एडमोब के अकाउंटों को सस्पेंड कर रही है। हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड ना हो। कुछ ऐसे सूत्र लगाए गए हैं एप्लीकेशन में जिससे आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। एप्लीकेशन में काम करने से पहले सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इन ब्राउज़र डाउनलोड करना है। इन ब्राउज़र एक प्राइवेट ब्राउज़र होता है। प्राइवेट ब्राउज़र होने के कारण उसकी हिस्ट्री गूगल में ट्रेस नहीं होती। किस प्रकार का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, ये इन ब्राउज़र है, ऐसा उसका आइकॉन होगा। आपको ये डाउनलोड करना है, इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना देना है। ये बनाने के बाद दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन में आना है। एप्लीकेशन में आके एप्लीकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये बहुत सारे टास्क आ जाएंगे। आपको टास्क वन पे क्लिक करना है। टास्क वन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंडस्ट्रियल ऐड आपके मोबाइल पर खुलने लग जाएंगी। जैसे इंडस्ट्रियल ऐड आपके मोबाइल पर खुलेंगी, आपको एक एक करके उन ऐड को कट कर देना है। सारी ऐडों को कट कर देना है, एक एक करके कट करते जाना है। ऊपर की तरफ आपको ये गुड जॉब क्लिक ऑन फिनिश के ऊपर 10 लिखा आ जाएगा। अगर ये 10 से कम होता है तो आपको ये रीलोड एड्स का जो सबसे नीचे बटन है इस पर क्लिक करना है तो ऐड दोबारा लोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिर आपको टास्क नंबर 2 पे क्लिक करना है। जैसे आप 2 पे क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से सारी एड्स दोबारा से ओपन हो जाएंगी। उन ऐडों को भी आपको कट करते रहना है। इसी प्रकार से आपको सारी एड्स को कट कर देना है। ये फिर 10 हो जाएंगी। फिर आपको फिनिश टास्क पर क्लिक कर देना है। वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं ये 9 के 9 टास्क जो है कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। मैंने सारे टास्क 9 के 9 क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट का पेज आ जाता है। नेक्स्ट के पेज पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास आप सभी के नाम आ जाएंगे और 10 ऐड आपके पास दोबारा से ओपन हो जाएंगी। इन 10 की 10 ऐड्स को आपने दोबारा से कट कर देना है। ये 10 की 10 ऐड कट हो गई। आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका नाम इसमें लिखा हुआ है, आपको अपने नाम को छोड़कर सभी एक नाम पर क्लिक करना है। एक राउंड में आप एक ही नाम पर क्लिक कर पाएंगे। जैसे आप एक राउंड नाम पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अहमद के नाम पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक ऐड आपके पास ओपन हो जाएगी। आपको ये देखना है कि ये ऐड कौन सी कंपनी की है, मतलब इंडिया की है या बाहर की है। अगर ये बाहर की ऐड है तो आपको बाहर की ऐड पर क्लिक करना है। अगर ये बाहर की नहीं है तो आपको बैक जाना है, दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ये बाहर की ऐड है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इन ब्राउज़र में चले जाओगे और आपका नीचे एक टाइमर आ जाएगा। प्लीज़ वेट एट लीस्ट 7 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। 60 सेकंड आपको यहाँ पर पेज पर वेट करना है। ऐड धीरे धीरे ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको ऐड को ब्राउज करना है, ऊपर नीचे देखना है। ऐसे ही आपको देखते रहना है ऐड के ऊपर, ऊपर से नीचे तक। जैसे जैसे आप देखते रहेंगे टाइम आपका भी कम होता रहेगा। ऐसे आपको देखते रहना है, ठीक है। मैं इस ऐड को देख लेता हूँ एक मिनट तक। जैसे ही आपका टाइमर बंद हो जाएगा, आपको इसी ऐड के अंदर इसके मेनू के ऑप्शन में जाना है या कहीं भी जो क्लिक करने वाला ऑप्शन है, आपको वहीं पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है। एक क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको भी आपने ब्राउज करना है। 4 से 5 सेकंड तक आप उस पर पेज को ब्राउज करिएगा। फिर आपको किसी और पेज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको 2 से 3 क्लिक
इस ऐड के अंदर भी करने हैं। जैसे आप दो तीन क्लिक इस ऐड के अंदर क्लिक कर देंगे तो आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने सभी टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आप इस ऐड को कट कर सकते हैं, कट करके बैक आ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप ऐड को कट करके बैक आएंगे तो ये ऐड आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप कट कर देंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका नाम जो है वो आपने लिखना है सोहन, जो भी आपका नाम है, एक कोमा देना बीच में, राउंड लिखना आपने, जैसे ये आपका पहला राउंड है तो आपको राउंड लिखना है 01, उसके बाद आपको कंट्री लिखना है इंडिया। ये लिखने के बाद आप इस डाटे को सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे, आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया। फिर आप अपनी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप जो जो एप्लीकेशन आपने इसमें यूज़ करी थी उन एप्लीकेशनों का सबका डाटा जो है आप क्लियर कर देंगे। जैसे हमारी ये एप्लीकेशन थी, इसका डाटा आपने क्लियर कर देना है, ये डाटा आपका क्लियर हो गया। ये आपका पहला राउंड था, आपने पहले राउंड में एक क्लिक करा, जब आप दूसरा राउंड करेंगे दूसरे नाम पे किसी दूसरे नाम पर क्लिक करेंगे, तीसरे राउंड में किसी तीसरे नाम पर क्लिक करेंगे, चौथे राउंड में किसी चौथे राउंड पर नाम पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको सभी के नामों पर क्लिक करना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी इन ब्राउज़र हमने यूज़ करा था, इसका भी हम डाटा क्लियर कर लेते हैं। सभी बटनों पर क्लिक करना है आपको, सभी के नाम पर क्लिक करना है, केवल अपने नाम को छोड़कर। अपना नाम आप छोड़ देंगे, अपना नाम छोड़कर आप सभी के बटनों पर क्लिक कर देंगे। एक एक क्लिक आपने सभी को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में देना है। दूसरा क्लिक आपको दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में देना है। तीसरा क्लिक आपको शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे के बीच में देना है। और पहला क्लिक जब आप करोगे सभी के नामों पर, एक एक क्लिक करोगे तो आपका राउंड 1 रहेगा। दूसरा क्लिक जब आप सभी के नामों पर करेंगे तो राउंड 2 रहेगा। तीसरा क्लिक जब आप करोगे तो राउंड 3 रहेगा। आशा करता हूँ सभी को काम करने का तरीका पसंद आया होगा। तो मेरे दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। जय माता बगलामुखी।